इंजीनियर प्रमोद ककणी, आज आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, जिससे सवाल भी आता है और सेकेंड ईयर मैकेनिकल ग्रुप में भी सवाल आता है, और आपके जो सेकेंड ईयर का जो मैकेनिकल ग्रुप है उसमें थ्योरी में भी यही पार्ट रहता है कि थ्रेड्स और फास्टनर्स, तो थ्रेड क्या होता है, स्क्रू थ्रेड्स क्या होता है। देखो थ्रेड और स्क्रू थ्रेड का थोड़ा फर्क है, क्योंकि एग्जाम में पहले हिंदी में पेपर आता था तो कई बार थ्रेड को धागा लिखा हुआ था, तो अपने को कभी भी पेपर भी देखे ना आप, तो आप ध्यान रखना इंग्लिश का वर्ड जरूर आप देखें, अपने थ्रेड से जो टेक्निकल वर्ड बनता है वो बनता है चूड़ी, किसकी, अपने स्क्रू के ऊपर जो चूड़ी बनती है, अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे कि स्क्रू थ्रेड क्या चीज है। तो सबसे पहले तो अपने ये बताएं कि स्क्रू थ्रेड होता क्या है। देखो स्क्रू थ्रेड एक फास्टनर से काम में कर लिया जाता है, जैसे जो भी अपने नट बोल्ट होते हैं उसके ऊपर थ्रेड कटी हुई होती है, तो वो थ्रेड्स कैसे बनाए, कौन कौन से प्रकार की होती है और नट फास्टनर्स कौन क्या होते हैं, इस बारे में अपन आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड क्या होता है कि स्क्रू थ्रेड जो है क्या होता है, बोल्ट या सेट स्क्रू जो है या थ्रेडेड जो पार्ट्स है, जो मेन जो जो कार्यकारी तत्व है वो आपका थ्रेड होता है। जितने भी जो आपके स्क्रू है या नट बोल्ट है उसका जो कार्यकारी तत्व है वो आपका थ्रेड होता है। थ्रेड आपके इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है, लेफ्ट एंड हो सकती है, राइट एंड हो सकती है, सिंगल स्टार्ट हो सकती है, मल्टी स्टार्ट हो सकती है। अब थ्रेड बनती कैसे, देखो जब से कोई सिलेंड्रिकल पार्ट है, इस सिलेंड्रिकल पार्ट पे कोई पॉइंट अगर मूवमेंट करता है, कौन सा मूवमेंट करे, इसके ऊपर आपका कोणीय वेग करे और कॉन्स्टेंट कोणीय गति करे। अब कॉन्स्टेंट कोणीय मतलब जो है एंगुलर मोशन करेगा, तो एक इसके ऊपर सर्कुलर जो सर्कमफेरेंस है उसके ऊपर गति होगी, उस कॉन्स्टेंट एंगुलर मूवमेंट के साथ साथ वो एक एक्सियल मूवमेंट भी लेवे, एक निश्चित दर से एक्सेल मूवमेंट भी आए तो उसपे ऐसे जो है जाके, जैसे ये बन रहा है आपके ग्रीन ग्रीन सा, ऐसे उसके ऊपर जो है एक हेलिक्स बनेगा, ऐसे उसके ऊपर एक हेलिक्स बनेगा। तो हेलिक्स जब बनेगा तो उसके अंदर एक चूड़ी का आकार उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। तो ये अपने थ्रेड है, सरफेस जब सिलेंड्रिकल सरफेस है, उस सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट अगर सर्कमफेरेंशियल मतलब जो आपका कोणीय गति, सर्कमफेरेंस के ऊपर कोणीय गति ले कॉन्स्टेंट स्पीड से, स्थिर कोणीय गति से, लेकिन उसके अंदर आपका जो है एक्सियल मूवमेंट भी आ रहा है, एक्सियल मूवमेंट मतलब जैसे जैसे वो कोणीय गति ले रहा है उसी में एक निश्चित दर से एक्सियल मूवमेंट आ रहा है, तो आपके एक हेलिक्स उसके ऊपर बनेगा, यानी कि ऐसी आकृति उसके ऊपर बनेगी बढ़ते हुए क्रम में, इस प्रकार अपनी चूड़ी बनेगी। अब चूड़ी होती क्या, उसको ऊपर समझते हैं। सबसे पहले कि चूड़ा एक थ्रेड है, उस थ्रेड के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, चूड़ी में क्या क्या चीजें होती है तो वो देखते हैं। ये एक तरह से इंटरनल थ्रेड बना रखा अपने, क्या बना रखा है, इंटरनल थ्रेड ये बनाया हुआ है और ये एक्सटर्नल थ्रेड का आकार बनाया है। भाई इंटरनल जो थ्रेड है उसके अंदर आंतरिक चूड़ी कहते हैं उसको, और एक्सटर्नल थ्रेड मतलब बाह्य चूड़ी। अब इस चूड़ी के अंदर क्या क्या चीज होती है, देखो जब जो चूड़ी होती है या थ्रेड होती है, इस थ्रेड में जो ये वाला पार्ट होता है ऊपर वाला पार्ट, देखो ये पूरी जो है सिलेंड्रिकल बॉडी है, इस सिलेंड्रिकल बॉडी के ऊपर कोई अगर अपने हेलिक्स बनाया तो हेलिक्स ऐसे आकार में बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे ये चूड़ी गई आपकी, फिर ये पीछे से आ रही है, फिर गई और फिर ये पीछे से गई, पीछे आई, तो ये इस प्रकार अपने चूड़ी के ऊपर बढ़ते हुए क्रम में आगे से आगे बढ़ रही है। अब इस चूड़ी के ऊपर जो है ये जो बन रही है, इसके अंदर ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं क्रेस्ट, और ये जो पॉइंट होता है नीचे वाला अंदर वाला इसको बोलते हैं रूट, यानी कि ये हो गया आपका रूट और ये हो गया ऊपर वाला पॉइंट क्रेस्ट, और ये जो फेसेज है इसको बोलते हैं अपन फ्लैंक। अब ये जो एक चूड़ी है, देखो इसमें एक चूड़ी क्या होता है या पिच क्या होता है कि किसी भी क्रमागत दो चूड़ियां हैं, कोई भी दो क्रमागत चूड़ियां हैं, क्रमागत चूड़ी के किसी भी निश्चित बिंदु के मध्य की दूरी, जैसे कहते हैं मतलब कि यहां से यहां तक की ले लें, या मैं इसमें जो इसका पिच पॉइंट है, जैसे ये पिच पॉइंट लें और इसका भी अगली, जैसे ये चूड़ी है और ये दूसरी अगली चूड़ी होगी, इसका यहां से यहां तक का डिफरेंस लें तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। तो दो क्रमागत चूड़ी के किसी स्थिर निश्चित बिंदु, यानी क्रेस्ट से क्रेस्ट ले लें या रूट से रूट ले लें या पिच पॉइंट से पिच पॉइंट ले लें, तो जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं अपन पिच। एक होता है इसके अंदर थ्रेड एंगल, तो ये जो एंगल बनता है किसी एक थ्रेड का, जो इसका ढलान है या जो थ्रेड है, ये जो एंगल बन रहा है इस चूड़ी का, वो जो एंगल कहलाता है इंक्लिनेटेड एंगल, वो पूरा जो कोण है वो कहलाता है आपका थ्रेड एंगल। और क्या चीज काम में आती है, देखो इसके अंदर एक होता है लीड, इसके अंदर एक चीज आती है काम में आपके लीड। अब लीड क्या होता है, देखो लीड को समझो, लीड क्या होता है, स्टार्ट थ्रेड, और एक होता है मल्टी स्टार्ट थ्रेड। अगर चूड़ी सिंगल स्टार्ट है, कहने का मतलब है कि एक चक्कर में वो एक चूड़ी का जो पिच होता है, जैसे जो चूड़ी का जो पिच होता है, मैं आपको बताऊं आपको, जैसे ये चीज है इसको अपन देखें, तो एक चक्कर अपन ने घुमाया, एक चक्कर में जितना ये एक्सियल मूवमेंट लेता है, जितना मतलब एक्सिस एक्सियल गति करता है, जैसे एक चूड़ी को अपन ने ऐसे एक एक चक्कर दिया इसको,
यहाँ से यहाँ तक अपन आए, तो यहाँ से यहाँ तक अपन आए तो जो पूरा जो एक चक्कर हुआ आपका, उसके अंदर आपने इसके यहां से यहां तक का जो एक्सियल मूवमेंट हुआ ये कहलाता आपका पिच। और पिच और अगर जो एक चक्कर में पिच के बराबर अगर चूड़ी जो है आगे बढ़ती है, पिच के बराबर चूड़ी आगे बढ़ती है तो वो होती है सिंगल स्टार्ट। और अगर जो है पिच के जितने मल्टीप्लायर में अगर चूड़ी आगे बढ़ती, मतलब जो है आपका एक्सियल मूवमेंट उसके अंदर फास्ट रन में आता है, नट या बोल्ट में आता है, तो वो उसकी कहलाती है लीड। अगर डबल स्टार्ट थ्रेड है तो लीड बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ, मतलब डबल स्टार्ट या मल्टी स्टार्ट थ्रेड है तो लीड क्या होगा, लीड होगा नंबर ऑफ स्टार्ट। नंबर ऑफ स्टार्ट का मतलब है कितनी चूड़ियां स्टार्ट हो रही है इंटू पिच, नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच, ये होता है आपका लीड। अब लीड क्या हुआ कि अगर थ्रेड, तीन थ्रेड एक साथ चल रही है तो आपका उसके अंदर जो है एक चक्कर अपन उसको किसी चूड़ी को घुमाएंगे तो एक चक्कर घुमाने पर वो पिच की तीन गुना रेखीय गति करेगा, नट या बोल्ट को एक। अब देखते हैं अगर इसके अंदर अपन स्लोप, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है लीड का आधा। अगर देखो एक मैं नंबर ऑफ स्टार्ट का जो मैं बताऊं आपको, जैसे एक चूड़ी जा रही है, दूसरी चूड़ी यहां से स्टार्ट हो गई, फिर तीसरी चूड़ी यहां से स्टार्ट हो गई, तो आपके पिच तो क्या, पिच तो क्या हो गया, दो क्रमांक चूड़ियां जो चल रही है, ये जो दो क्रमांक चूड़ियां चल रही है इनके बीच की जो डिस्टेंस बन रही है ये तो हो गया पिच। लेकिन एक जो चूड़ी गई आपकी ये गई यहां से, पूरी चूड़ी ये स्टार्ट हुई, तो यहां से यहां तक का जो बना आपका क्या बना, आपका एक लीड बनेगा। भाई चूड़ी जो यहां से यहां तक स्टार्ट हुई ना एकदम, तीन, अब देखो एक दो और तीन चूड़ियां यहां पे, तीनों चूड़ियों में से अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट लूं तो ये पॉइंट है, तो ये तो बनेगा आपका इसका लीड और ये बनेगा आपका इसका पिच। तो पिच और लीड में संबंध समझ में आया होगा कि लीड बराबर होता है नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच, नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू पिच को अपन कहते हैं लीड। अब इसमें एक और होता है लेफ्ट हैंड थ्रेड और राइट हैंड थ्रेड। लेफ्ट हैंड थ्रेड क्या होता है, देखो कि अपन नॉर्मल जो चूड़ी है अपन उसको क्लॉकवाइज घुमाएं, घड़ी की दिशा में घुमाएं और वो चूड़ी बंद हो रही हो, घड़ी की दिशा में घुमाएं, जैसे कि ये है, इसको मैं यूं आगे घुमाऊंगा तो ये चूड़ी इसके अंदर एंटर करेगी और ये बंद होगी, और मैं अगर क्लॉकवाइज घुमाऊं और चूड़ी खुलती है तो वो कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड। एंटी क्लॉकवाइज थ्रेड उसको बोलते हैं अपन लेफ्ट हैंड थ्रेड, और राइट हैंड थ्रेड जिसको अपन क्लॉकवाइज घुमाने पर बंद होता है। तो ये चीज आपके जो है चूड़ी के जो एलिमेंट्स हैं वो हो गए। अब अपन देखते हैं कि एक थ्रेड्स, जैसे एग्जाम में क्या आता है या ये तो क्या कंपटीशन में आ जाता है कि भाई क्या आता है, देखो चित्र बना हुआ आ जाएगा, चित्र बना हुआ आएगा उनमें किसी एक पॉइंट को, आपकी थ्योरी में भी आता है जो मैकेनिकल ट्रेड की थ्योरी में, भाई इसको क्या कहते हैं पिच कहते हैं, और इसमें इसको क्या कहते हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं रूट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको कहते हैं आपका क्रैश कहते हैं। अब इसमें देखो इसमें थोड़ा चेंज आएगा, इसमें आप वही चीज नहीं करेंगे, इसमें देखो ये आंतरिक चूड़ी है, आंतरिक चूड़ी में ये चीज क्या कहलाएगी क्रैश कहलाएगी, ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा क्रैश दिस, और ये वाला जो पार्ट अंदर वाला ये यानी कि ये नीचे वाला ये कहलाएगा रूट। इसी चीज को मैं अगर आपको डबल स्टार्ट थ्रेड बना के बताता तो क्या होता है, देखो यहां से चूड़ी जा रही है, अगर ये चूड़ी यहां से जाने के बाद में सीधा यहां आता, अगर ये चीज यहां आती, ये चीज यहां जाकर के चूड़ी का जो पिछला पार्ट यहां आता, तो ये आपका डबल स्टार्ट थ्रेड हो जाती, और डबल स्टार्ट थ्रेड होती तो लीड बराबर क्या होता ट्वाइस पिच होता, कब, जब ये पिछला वाला पार्ट जाकर के सीधा यहां आता। मेजर डाया क्या होता है, माइनर डाया क्या होता है, तो देखो ये जो आपका क्रेस्ट से क्रेस्ट का जो डायमीटर बन रहा है इसको कहते हैं मेजर डाया, और रूट से जो डायमीटर स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे अपन माइनर डाया। जैसे ये रूट जहां है, रूट से रूट की जो दूरी है वो उसका जो डायमीटर बनेगा, रूट से रूट की जो दूरी बनेगी उसका जो डायमीटर बनेगा वो कहलाएगा आपका माइनर डाया। एक होता है इसे पिच डाया, पिच डाया क्या होता है, देखो दो मैचिंग जो चूड़ियां होती है, जो दो मिलने वाली चूड़ियां होती है वो एक दूसरे को एक निश्चित पॉइंट पे मतलब मिलती है, तो जहां वो मिलती है और जहां से वो फ्रैक्शन उनको मिलता है और जहां से फ्रैक्शन मिलकर के वो बंद होती है आगे बढ़ती है तो वो कहलाता है उसका पिच पॉइंट। और पिच पॉइंट जैसे पिच पॉइंट है तो पिच पॉइंट से मैं जो डायमीटर बनाऊंगा उसको बोलेंगे पिच सर्किल डायमीटर, और वो जो डायमीटर बनेगा वो कहलाएगा आपका पिच डाया कहलाएगा। क्लियर हो गया, इसमें क्या क्या देखा अपन ने, क्रैश देखा, फ्लैंक, ये फ्लैंक हो गया, ये रूट हो गया, और आपका ये पिच हो गया। पिच और लीड में संबंध क्या, अगर सिंगल स्टार थ्रेड है तो पिच और लीड बराबर होगा, मल्टी स्टार थ्रेड है तो लीड बराबर नंबर ऑफ स्टार्ट इनटू पिच होगा। एक देखा अपन ने स्लोप, तो स्लोप जो होता है चूड़ी का जो स्लोप होता है वो होता है लीड का आधा,
अभी अपने देखा था वो पूरा चूड़ी की का जो है जिसके अंदर पूरी चूड़ी थी जैसे यो आपकी थ्रेड चल रहा था अगर लो तो ये कौन सी थ्रेड बन रही है एक्सटर्नल थ्रेड बन रही है। इस एक्सटर्नल थ्रेड के अंदर अपन ने इसको देखा था अपने क्रेश था ये आपका रूट था। अब इसमें देखते हैं अपन क्या है देखो कि इसमें जो थ्रेड है ये जो मैंने एक सेदर या जो है अमेरिकन थ्रेड का जो है एक रूप में यह दिखाया कि कई बार अपने जो है थ्रेड बनाने के लिए आता है तो नॉर्मली अपने जो आईटीआई लेवल पे आता है थ्रेड डिजाइन नहीं आता केवल थ्रेड का फ्री हैंड जो है ड्रॉ करने के लिए आता है। तो मैं उसमें मेन मेन चीज क्या है वो आपको बता दूंगा कि फ्री हैंड में अपन क्या चीज का ध्यान रखें। तो सबसे पहले जैसे ये अपने थ्रेड बनाया तो थ्रेड का कोई एक पार्ट बनाया जैसे अपने इधर वाले चूड़ी थी ना पूरे में तो अपन ने केवल ये वाला पार्ट बनाया। इस वाले पार्ट में देखो ये थ्रेड है थ्रेड बिल्कुल कोने से कोना नहीं होता है नॉर्मली थ्रेड में या तो यहाँ राउंडनेस मिलेगा या यहाँ कॉर्नर्स थोड़ा अंदर रखे उसमें फ्लेट बना हुआ मिलेगा। तो जो इसके अंदर अपन ने सेलर थ्रेड लिया है इस सेलर थ्रेड में अगर अपन देखते हैं तो यहां से यहां तक की दूरी तो क्या कहलाएगी पिच। यहां से यहां तक की दूरी पिच करें या यहां से यहां तक की दूरी पिच करें कोई भी दो क्रमागत चूड़ियों के निश्चित बिंदु के मध्य की जो दूरी होती है ये कॉन्स्टेंट पॉइंट के मध्य की दूरी जो होगी वो कहलाएगा आपका पिच। सेलर थ्रेड का जो थ्रेड एंगल होता है वो होता है आपका 60 डिग्री। जहां पर दो चूड़ियां जो मैचिंग जो चूड़ी होती है मतलब जो एक्सटर्नल थ्रेड और इंटरनल थ्रेड जहां आपस में बंद होगी जैसे नट और बोल्ट की जो चूड़ियां जहां आपस में स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेगी वो जो पॉइंट कहलाता है आपका पिच पॉइंट कहलाएगा। पिच पॉइंट से जो लाइन खींचेंगे उसको अपन कहेंगे पिच लाइन कहेंगे। और अब देखो इसमें चूड़ी अपन बना रहे हैं तो जो आपका सेलर थ्रेड है या अमेरिकन थ्रेड है उसके अंदर ये जो थ्रेड की जो गहराई है टोटल जिसको बोलते हैं एच क्या बोलते हैं इसको एच ये टोटल जो गहराई है इसको अपन क्या बोला एच। जो एच होता है वो होता है 0.86603 इसको नॉर्मली अपन 0.866 तक ही ले लेते हैं और पिच के बराबर इतना हो गया आपका एच एच बराबर बढ़ेगा आपका पिच। पिच क्या हुआ आपका पिच क्या होता है दो क्रमागत चूड़ी के बीच की जो डिस्टेंस बनती है वो पिच कहलाता है ये पिच हो गया। अगर पिच आपका 20 है तो उस केस में आपकी जो है चूड़ी की गहराई कितनी होगी लगभग 17 mm के आसपास किसके अंदर सेलर या अमेरिकन थ्रेड के अंदर। अब सेलर या अमेरिकन जो थ्रेड है इसके अंदर जो ये क्रेस्ट और जो रूट वाली जगह है बिल्कुल आपका कॉर्नर नहीं आकर के यहाँ पे फ्लेट रहती है जगह ये क्या रहता है फ्लेट रहती है। कहने का मतलब है कि चूड़ी बनती है आपकी सेलर थ्रेड में कैसी बनेगी कैसे बनाओगे सपोज सेलर थ्रेड चूड़ी बनानी है तो ये तो आपने सेंटर लाइन दी इससे आपने यहाँ एक पॉइंट लिया 60 डिग्री का एंगल डाला और जो यहाँ पे आप ये लेंगे मान लिया उसका पिच दे रखा है जैसे आपके चूड़ी दे रखी है और चूड़ी का पिच दे रखा है तो पिच के बराबर आपने ये एच कितना लेंगे एच अपन ने मान लिया पिच आपका कोई अपन ने पिच में 20 mm मान लिया पिच अगर 20 mm माना तो आपकी एच कितना बनेगा 0.866 × 20 17 pt अर्थात दो जो लाइने ली आपकी इनके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली आपने 17.3 और इसमें आपने 60 डिग्री का एंगल बना दिया यानी कि यहां से 60 डिग्री का बनाओगे 30 डिग्री क्यों चलोगे 30 डिग्री ऐसे जाएगा 30 डिग्री इधर आएगा अब यहाँ आप 60 डिग्री का बन जाएगा फिर आप 60 डिग्री का ले जाओगे यानी कि ये 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब इससे एच बाई एट कितना एच बाई एट और इससे भी एच बाई एट डिस्टेंस पे आप गए एच बाई एट कितना हो जाएगा 0.125 ऑफ एच यानी कि इसको 0.125 से गुणा करोगे ये आप लाइन खींच देंगे ये दूसरी लाइन भी खींच देंगे। अब आप इसके अंदर थ्रेड को जैसे आपका पूरी चूड़ी यहां तक नहीं आ सकती क्यों यहीं तक आएगी अर्थात थ्रेड ये बनेगी आपकी अब सपोज करो ये एक्सटर्नल थ्रेड है तो ये आपका एक्सटर्नल थ्रेड हो जाएगा रूप हो गया जिसके अंदर क्या हुआ यहां से यहां तक का एच बाई फोर हो गया ये एच बाई फोर हो गया और ये आपका टोटल कितना हो गया आपका एच हो गया। अब यहां कोई भी पॉइंट लिया वहां से 30 डिग्री पे आपने लाइन डाली वापस वहां से आप 30 डिग्री परपेंडिकुलर डाले 30 डिग्री लाइन डालेंगे फिर वापस ये निश्चित पीक के बराबर आ जाएगा यहां से तक कितना आएगा ऑटोमेटिकली पिच के बराबर आ जाएगा फिर वापस आप यहां से 60 डिग्री लाइन डालेंगे फिर वहां से आपने फिर 60 डिग्री तो ऑटोमेटिक पिच के बराबर आता जाएगा और उसके अंदर आपने यहां से एच बाई एट ले लेना एच बाई एट ले लेना और उसके अंदर आप थ्रेड डिजाइन करेंगे तो ये होगा आपका एक थ्रेड है जो कि अपने किस प्रकार की थ्रेड ली अपने सेलर वो तीन भागों में अपने बांटा वी थ्रेड सबसे पहले लिए अपन टाइप्स ऑफ थ्रेड फर्स्ट वी थ्रेड्स
वी प्रकार की जोड़ी। सेकेंड है अपन स्क्वायर थ्रेड, और थर्ड है कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड वी, या आप उसको कह सकते हैं अपन तीसरे प्रकार को मॉडिफाइड अब मॉडिफाइड के अंदर जो अपन छोड़ी देते हैं नॉर्मली वो आती है आपके एक में थ्रेड। कौन सी आती है? एक में। सबसे पहले लें वी थ्रेड। अब सबसे पहले लें अपन वी थ्रेड। वी थ्रेड में कौन कौन सी जोड़ी आती है भैया? वी थ्रेड का प्रयोग कहां करते हैं? स्क्वायर। देखो इसमें सवाल आ जाता है कि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग कहां करते हैं? स्क्वायर थ्रेड का जो प्रयोग करते हैं अपन वो पावर ट्रांसमिशन में करते हैं, नॉर्मली पावर ट्रांसमिशन करते हैं। स्क्वायर थ्रेड का ही मॉडिफाइड रूप है, यानी कि वी और स्क्वायर थ्रेड का मिक्सिंग जो है या उसको मिला करके जो अपने बनाया वो बनती है आपकी ट्रेपेज़ॉइड शेप में। तो ये जो चूड़ी बनेगी इसको बोलते हैं अपन एक में थ्रेड। क्या बोलते हैं अपन? एक में। तो ये आपका इन दोनों जो है वी और स्क्वायर थ्रेड का जो मिक्सिंग करके अपने जो चूड़ी बनाई वो है, या कह देंगे मॉडिफाइड जो थ्रेड है वो ये चीज होगी। ये भी आपकी पावर ट्रांसमिशन में काम में आती है। और वी थ्रेड्स जो है नॉर्मली आपके फास्टनेस में काम में आती है, जो आपके नटबोल्ट्स वगैरह है उसके अंदर काम में आती है वी थ्रेड। अब वी थ्रेड्स के प्रकार देखते हैं। बी ए ब्रिटिश एसोसिएट थ्रेड, देखो मैं इसमें बहुत ज्यादा आपकी क्या है कि डिजाइन नहीं है, अपने को पूरा जो है नाप से नहीं बनाना, लेकिन उसके ऊपर नाप लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। क्या क्या चीज क्या है वो जरूर लिखना पड़ता है, वो बताता हूँ। सेकेंड है आपका BSW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ट, ये तो हो गया ब्रिटिश एसोसिएशन, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड। विथवर्ट तीसरे प्रकार में नए अपन तो होती है मैट्रिक थ्रेड, जो कि अपने इंडियन स्टैंडर्ड वाली थ्रेड है वो आपकी है मैट्रिक थ्रेड। चौथा पढ़ लें इसमें जो अभी अपन ने जिसका चित्र देखा था वो थी सेलर। अब इसमें थोड़ा सा जो मेन जो ध्यान रखने की चीज क्या होती है, एक तो जो चूड़ी बनी थी ना अपने, इसमें कई जगह तो या तो ये फ्लेट होगा और या कई जगह ये आपका राउंड होगा, या तो फ्लेट होगा या क्या होगा राउंड होगा। ये अपने को ध्यान रखने का है कि कहां किस में राउंड आता है और किस में फ्लेट आता है। किसी चूड़ी में यहां राउंड पार्ट होगा और किस चूड़ी में ये फ्लेट वाला पार्ट होगा यहां पे। बाकी तो जो उसका हाइट है वो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जो पिच के रूप में हाइट को अपने किसके रूप में लिया, पिच के रूप में। तीसरा इसका मेन डिफरेंस बनता है वो थ्रेड का एंगल। तो बी ए थ्रेड है, देखो इसको याद करने का तरीका बताऊं, बी ए बी एस डब्ल्यू और मैट्रिक में बहुत अच्छा याद करने का तरीका है कि बी ए देखो छोटा सा अक्षर बनता है, तो इसका जो थ्रेड एंगल थीटा है वो बनता है 47.5 डिग्री। इससे थोड़ा बड़ा एंगल नाम हो गया तो जो बड़ा वाला एंगल बनेगा 55 डिग्री, और मैट्रिक थ्रेड और भी बड़ा हो गया तो इसमें बनेगा आपके 60 डिग्री का एंगल बनेगा, जो आपका थ्रेड का एंगल बनेगा। बी ए में बनेगा 47.5 यानी 47.5 डिग्री, जो आपका बी एस डब्ल्यू है उसमें बनेगा 55 डिग्री, और जो मैट्रिक थ्रेड है उसमें बनेगा आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये अपने को मेन ध्यान रखना। अब सेलर जो थ्रेड होती है, सेलर थ्रेड भी आपके बिल्कुल मैट्रिक के जैसी है। फर्क ये है कि जो आपका मैट्रिक चूड़ी होती है उसके अंदर यहाँ राउंड पार्ट आएंगे, और जो सेलर थ्रेड है उसके अंदर आपके यहाँ पर फ्लेट पार्ट आएगा। फ्लेट आएगा, क्या आएगा? ये फ्लेट आएगा आपका इसके अंदर सेलर में। अभी बना के अपन चूड़ी बना करके मैं आपको बता दूंगा कि यूनिफाइड, इस यूनिफाइड के अंदर जो होता है रूट, तो रूट जैसे आपका चूड़ी का जो रूट है, जैसे अगर मैं थ्रेड को यू ले लू इधर की तरफ है, तो जो रूट है रूट तो गोल बनेगा किसके अंदर? यूनिफाइड में। और क्रेस्ट आपका कैसे बनेगा? फ्लेट बनेगा। ये यूनिफाइड एंगल वही 60 डिग्री रहेगा। तो देखो 60 डिग्री से जो थ्रेड एंगल था 60 डिग्री वाला वो तीन चूड़ियों में था, किस किस में? मैट्रिक में, सेलर में और यूनिफाइड में। बाकी अपने बी ए बी एस डब्ल्यू और मैट बी ए के अंदर 47.5 डिग्री और बी एस डब्ल्यू में 55 डिग्री, बी एस डब्ल्यू और मैट्रिक।
बीए थ्रेड में मैंने बताया था कि जैसे सपोज आपने बीए का बीए थ्रेड बनानी है, बीए थ्रेड का जो थ्रेड एंगल है, बीए का थ्रेड एंगल आपको कितना है 47.5 डिग्री का रहेगा। दूसरा इसका जो है इसके अंदर एच जो रहेगा वो पॉइंट में रहेगा 1.36 पी, बीएसडब्ल्यू में रहेगा एच बराबर 0.866 पी। पी क्या है यहाँ पे, ये पी है आपका पिच, यहाँ पे पी जो दिया हुआ क्या है पी आई टी सी एच पिच। दो क्रमांक जो दूरी होती है उनके किसी एक स्टैंडर्ड बिंदु के मध्य की जो दूरी है वो पिच कहलाता है। अब आपने ये जो है एच आपने ले लिया कितना, पिच जितना भी था जो भी पिच था उसको 1.36 से मल्टीप्लाई किया और ये आपने एच ले लिया। अब इसमें जो थीटा है इसका एंगल कितना होता है, अभी देखा अपन ने 47.5 डिग्री, इसमें थीटा होता है 55 डिग्री और इसमें थीटा होता है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ आपने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट पे आपने 47.5 डिग्री है तो 47.5 का आधा किया तो 23.75 कितना, ऐसे 23.75 का अपने एंगल ले लेंगे। चूड़ी आपका बनता जाएगा, जबकि इसमें आप 55 डिग्री है तो आप 55 का आधा कितना हो गया 27.5। तो आपने कोई पॉइंट लिया और वहां पे आपने 27.5 डिग्री पे इसके अंदर 60 डिग्री का एंगल आएगा, इसमें आप 60 डिग्री यानी 30 डिग्री 30 डिग्री एक साइड में 30 देने दूसरी साइड में ऑटोमेटिक 30 देंगे आ जाएगा। अब देखो जो आपका बीए थ्रेड है तीनों के अंदर रूट और क्रेस्ट, तीनों के रूट और क्रेस्ट क्या होते हैं राउंड होते हैं एक तो, दूसरा इसके अंदर जब अपन ले आए तो बीए के अंदर आपका ये जो लिया आपने 0.167 यहां से जो आपने लाइन ली हुई थी इससे 0.167 जो भी एज था मान लिया कि 20 अगर ऐसा लिया आपने 20 लिया हुआ है तो 20 का 0.167 कितना बनेगा 32 3.2 के आसपास, उतना 3.2 इधर और 3.2 इधर ये लाइन ले लेंगे ये आप लाइन ले लेंगे। इसी प्रकार बीए में 0.23 ये इसमें जो डिस्टेंस आएगा 23h इसमें जो बनेगा ये वाला डिस्टेंस ये बनेगा आपका 0.167h और मैट्रिक में जो बनेगा ये वाला पार्ट ये होगा आपका h/8 या 0.125h ये भी उतना ही होगा, इनमें सब में सेम होगा। अब यहां पे इसमें देखो तीनों में क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है राउंड या रेडियस आएगा इसमें भी यहां रेडियस बना ले। इस प्रकार जो चूड़ी बनेगी जिसके अंदर ये एच का मान या 0.23 पर जब आप बनाए तो बीए में बस ये ध्यान रखना है कि ये आपके पॉइंट ये जो पार्ट है ये 0.23h होगा, इसमें 0.167h होगा, इसमें 0.125h होगा किसके अंदर मैट्रिक में। जो बीए थ्रेड होती है इस बीए थ्रेड का जो उपयोग करते हैं अपन नॉर्मली बीए थ्रेड का जो ये क्या है कि बहुत ही बारीक चूड़ी होती है और इसका जो उपयोग है अपन जो बहुत ही छोटे पार्ट है जैसे घड़ी के पुर्जों वाली जो थ्रेड है आपके टेलीफोन के उपकरण बनने वाले हैं उनके अंदर जो छोटे छोटे स्क्रू लगते हैं उसके अंदर जो है ये चूड़ियाँ काम में आती है कैमरे के पार्ट वगैरह। और ये जो है आपका मैट्रिक थ्रेड, ये मैट्रिक थ्रेड के अंदर आपका कितना रहा था थीटा कितना है 60 डिग्री और एच कितना है 0.866 पी और इसमें भी ये आपके राउंड रहते हैं। अब बचता है आपके सेलर और यूनिफाइड थ्रेड। तो सेलर थ्रेड में क्या होता है कि ये सेलर थ्रेड और मैट्रिक थ्रेड एक जैसी होती है लगभग, फर्क क्या होता है कि यहाँ ये 0.125 है इसमें भी 0.125 है, मैट्रिक में सेलर में और यूनिफाइड में तीनों में 0.125 है ये वाला जो डिस्टेंस है। लेकिन आपके उसके अंदर क्या होगा जो सेलर थ्रेड है सेलर थ्रेड के अंदर आप मैं इसी को सेलर ले लूं तो सेलर में क्या होगा
थ्रेड में ये जो चीज है आपकी, यहाँ पे आपका चपटा हो जाएगा, ये जो पार्ट है आपका रूट और क्रेस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, चपटे हो जाएंगे, फ्लेट रहेंगे, यानी कि रूट और क्रेस्ट आपके कैसे रहेंगे, फ्लेट बनेंगे। जबकि जो आपकी यूनिफाइड थ्रेड है उसके अंदर रूट तो गोल रहेगा, यूनिफाइड इसी को मैं अगर यूनिफाइड बना दूं, इसी को मैं यूनिफाइड के अंदर कन्वर्ट करता हूं, यूनिफाइड के अंदर आपका जो आपका रूट है वो तो रहेगा आपका राउंड, यानी कि अगर मैं इसको थ्रेड को यहां रहेगा चपटा, ये आपका क्रेस्ट तो रूट तो रहेगा राउंड और क्रेस्ट रहेगा फ्लेट, ऐसी जो थ्रेड बनेगी वो आपकी बनेगी यूनिफाइड थ्रेड, उसका भी 60 डिग्री रहेगा। ये जो थ्रेड है आपका यूनिफाइड थ्रेड होगी। तो थ्रेड्स के बारे में समझ में आया हो, मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो थ्रेड्स में जो मैक्सिमम जो सवाल आएगा आपके बीए थ्रेड या बीएसडब्ल्यू थ्रेड बनाए, या आपके जो थ्योरी में सवाल आएगा तो बीए थ्रेड का जो थ्रेड एंगल कितना होता है या बीएसडब्ल्यू का थ्रेड एंगल कितना होता है, तो बीए के लिए अपन देखा था 47.5 डिग्री होता है, बीएसडब्ल्यू के लिए 55 डिग्री के लिए 60 डिग्री होता है, सेलर और जो यूनिफाइड थ्रेड है उनमें भी 60-60 डिग्री होता है। फर्क क्या है कि सेलर के अंदर आपके जो है रूट्स और क्रेस्ट क्या होते हैं, फ्लेट रहते हैं, जब ये 60 डिग्री होता है, और मैट्रिक के लिए 60 डिग्री होता है, सेलर और जो यूनिफाइड थ्रेड है उनमें भी 60-60 डिग्री होता है। फर्क क्या है कि सेलर के अंदर आपके जो है रूट्स और क्रेस्ट क्या होते हैं, फ्लेट रहते हैं, जबकि बी ए बी एच डब्ल्यू और मैट्रिक में रूट्स और जो आपके राउंड राउंड लिए हुए रहते हैं। और ये पिच है और ये हो जाएगा पी बाई टू, ये कितना हो जाएगा, अब ये जो डेप्थ है इसकी, ये डेप्थ भी कितनी है इसमें, पी बाई टू, ये जो थ्रेड काम में आती है, ये जो थ्रेड है आपकी इस प्रकार की, ये थ्रेड आपके पावर ट्रांसमिशन में, यानी कि लीड स्क्रू वगैरह होते हैं मशीनों के, उनके सवाल आता है आपके कि पावर ट्रांसमिशन में या लीड स्क्रू में किस प्रकार की थ्रेड होती है, ये अभी जैसे आपके जैसे मैंने बताया था, पेपर भी मैंने आपके अपलोड किया था YouTube पे, YouTube के आई के अकेडमी चैनल जो है उसके ऊपर मैंने जो तिरुवनंतपुरम का जो है अभी पेपर हुआ था पेटर ट्रेड के लिए, उसमें सवाल पूछा गया था कि जो थ्रेड्स होती है आपके अंदर लीड स्क्रू में, मशीन के लीड स्क्रू होता है उसके अंदर किस प्रकार की थ्रेड काम में ली जाती है, तो उसके अंदर स्क्वायर थ्रेड काम में ली जाती है। तो ऐसा सवाल है, कई बार यही सवाल है कि जो स्क्वायर थ्रेड में एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का होगा, ये चीज़ें अपन पूछ लेते हैं, या पावर ट्रांसमिशन में कौन सी थ्रेड काम में लेते हैं, तो आपके स्क्वायर थ्रेड या एक में थ्रेड काम में लेते हैं, तो ये अपन ध्यान देना चाहिए, जो चूड़ी है अगली प्रकार की, एक में थ्रेड क्या होता है, थ्रेड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है थ्रेड का वो होता है 29 डिग्री, थीटा कितना होता है 29 डिग्री का इसके अंदर एंगल होता है, और ये अगर आपका पिच का 0.37 पी, पिच जितना भी है ये 0.37 पी लिया, 0.37 पी लिया, और आपने यहां से भाई 29 डिग्री टोटल एंगल है, तो 14.5 डिग्री का आप यहां से कोण बना लिए, कितने डिग्री का, 14.5 डिग्री पी यहां लिया, जो भी पीछे है उसका, फिर आपने 14.5 डिग्री का एंगल बना दिया, कितना है 0.37 पी के बराबर लिया, इस प्रकार आप बढ़ते जाएं और इसको बनाते जाएं। इसके अंदर ये जो टोटल एंगल है ये कितने डिग्री का है, 29 डिग्री का, कितना है इंक्लूडेड एंगल, 29 डिग्री का है, और आपका ये 0.37 पी है। इस प्रकार आप इसको बनाएंगे, और ये चूड़ी होती है ये एक में थ्रेड भी इसका सुधरा हुआ रूप है, किसका, आपका स्क्वायर थ्रेड का, या यूं कहते हैं वी, और जो आपका स्क्वायर थ्रेड है
उनका मिक्स रूप है। इसमें क्या होता है, जो आपके स्क्वायर थ्रेड में आप देखा होगा, जैसे आपने वॉइस वगैरह में स्क्वायर थ्रेड होती है, पावर ट्रांसमिशन करती है, वॉइस क्या करती है, जॉब को कार्यकर्ताओं को मजबूती से पकड़ने का काम करती है। या आपका जैसे ये जो आपका स्क्रू जैक वगैरह होता है, उसमें भी आपके एक में थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड होती है। तो उनमें जैसे जो आपका देखेंगे आप जो ले आपका वॉइस वगैरह है, वॉइस में अगर स्क्वायर थ्रेड है तो उसको जब आप बंद करेंगे या खोलेंगे तो उसमें थोड़ा सा स्लैकनेस रहता है। क्या रहता है? स्लैकनेस रहता है। उस स्लैकनेस नहीं रहे उसके लिए अपन थ्रेड के जो है थोड़ा सा स्क्वायर थ्रेड को इंजन में बना दिया, जिसको कह दिया अपन ने एक में थ्रेड। और एक में थ्रेड के अंदर जो स्लैकनेस उसमें स्क्वायर थ्रेड में रहता है वो नहीं रहता है, और ये पावर ट्रांसमिशन में काम में आती है ताकि इसमें स्लैकनेस नहीं रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नकल थ्रेड। दो प्रकार की जुड़ियां और बची है, नकल और बटर्स। नकल थ्रेड क्या होती है, देखो मैं फास्ट लिख रहा हूं। नकल थ्रेड में यहां से यहां तक का आपका पिच कहलाता है। देखो दो जो क्रमागत चूड़ियां हैं, यहां से यहां तक का अपन डिस्टेंस ले लें तो ये पिच होगा, और ये यहां से यहां तक की जो डेप्थ है, ये चूड़ी की गहराई है, ये पी बाई टू होती है। कितनी होती है? इस प्रकार की चूड़ी बनी, ये आपकी होगी नकल थ्रेड। नकल थ्रेड का जो साधारणतः अपन उपयोग करते हैं वो कहाँ होता है, ये जो आपकी जो कांच की जो बॉटल्स वगैरह होती है, या जहां भी कॉर्नर्स आते हैं जिनको राउंड रखना जरूरी होता है, तो या अपन पाइप फिटिंग्स में जो जॉइंट जो जोड़ बनते हैं, जो कपलिंग्स बनती है पाइप फिटिंग्स की, हाइड्रोलिक फिटिंग्स की, उसके अंदर अपन जो है नकल थ्रेड्स काम में लेते हैं। तो नकल थ्रेड में आपका जो है हाइड्रोलिक जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं, या आपके जो बॉटल्स होती है कांच की, अगर जैसे आप उसके अंदर दूसरी चूड़ी डाल देंगे तो उसमें कॉर्नर्स रहेगा तो आपकी जो है किसी चीज को डैमेज कर सकती है। तो ये क्योंकि कांच बहुत हार्ड होता है तो वहां पे भी ये आपके नकल थ्रेड काम में ली जाती है। तो और चलिए अब बचते आपके बटर्स थ्रेड। इसमें 45 डिग्री पे झुका होता है। कितने पे? 45 पे होता है। और जो एच होता है, ये जो डिस्टेंस है आपकी एच, ये पी के बराबर होता है। कितना होता है? एच बराबर पी होता है। और जो चूड़ी होती है वो 45 डिग्री पे झुकी होती है। उसके साथ ही यहां से यहां जो होता है आपका जो जिसमें चूड़ियां बिल्कुल कॉर्नर नहीं रहते हैं, इसमें भी पार्ट चपटा रहता है। और ये 0.125 एच कितना होता है? 0.125 एच होता है। ये भी 0.125 एच होता है। अब इसमें 45 डिग्री के ऊपर आपके चूड़ी झुकी रहती है। इस प्रकार चूड़ी बनती है। अब इसमें यहां फेट रहता है, ये पार्ट क्या रहता है? फेट रहता है, यानी कि ये चीज आपकी हट जाएगी, ये पार्ट यहां से फेट होता है। इस प्रकार की जो चूड़ी होती है जिसका ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। ये जो थ्रेड होती है ये पावर ट्रांसमिशन में सिंगल साइडेड पावर ट्रांसमिशन में काम में आती है। सिंगल साइडेड एक तरफ पावर ट्रांसमिट करती है। तो ये जो चूड़ी है एक सिंगल साइडेड पावर ट्रांसमिशन में काम में ली जाती है। और ये बटर थ्रेड है, यानी कि एक साइड में तो ये पूरी की पूरी होकर खुद की आ जाएगी, कोई इसमें फोर्स नहीं लगेगा, और एक साइड में ये पावर ट्रांसमिट को करेगी। तो ये टाइप्स ऑफ अपने थ्रेड्स होगी। नॉर्मली या तो थ्रेड एंगल पूछा जाता है, या इसका जो अपने ड्राइंग में ड्राइंग के अंदर कोई चूड़ी का जो है आकृति फ्री हैंड बनाई जाती है।